आज की रेसिपी है चिपचिपा चावल यानी स्टिकी राइस का खीर। दोस्तों आप सबको हमारे चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लेट पे रेडी है काजू पिस्ता बादाम कपूर किशमिश कुटे हुए इलायची कटे हुए नारियल और तेज पत्ता। इधर कढ़ाई पे डाल दिया है हमने करीब 1 लीटर दूध। जब तक दूध गर्म होता है तब तक हम फ्राई कर लेंगे किशमिश काजू और साथ में कटे हुए नारियल। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। लीजिए किशमिश काजू और नारियल फ्राई हो गई है, अब हम इसको निकालेंगे। अब गर्म दूध में डालेंगे कुटे हुए इलायची तेज पत्ता और साथ में डाल देंगे फ्राई किए हुए सारे किशमिश इलायची और नारियल। अब जाएगा कढ़ाई पे सोके हुए स्टिकी राइस। दोस्तों स्टिकी राइस या फिर चिपचिपा चावल को असम में बोरा चावल बोलते हैं। ये चावल ज्यादातर असम में उगते हैं और असम में पाए जाते हैं। चावल को दूध में डालने के बाद अच्छी तरह मिला लेंगे। दोस्तों बोरा चावल को बेसिकली असम पे भोगाली बिहू के उत्सव में अलग अलग ट्रेडिशनल रेसिपी के लिए यूज किए जाते हैं। लीजिए हमारे चावल थोड़ी थोड़ी पक रही हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी बटर। बटर को अच्छी तरह चावल के साथ मिला लेंगे। दोस्तों स्टिकी राइस या फिर बोरा चावल के खीर बहुत ही टेस्टी बनती है और इस चावल से बनी पीठा का तो क्या कहना। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रश किए हुए काजू। अब हम इसको धीमी आंच पे करीब 10 से 15 मिनट पकाएंगे क्योंकि स्टिकी राइस को पकने में थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लगती है नॉर्मल राइस से। अब बारी है इसमें ऐड करने की चीनी, जो कि स्वाद के हिसाब से आप चीनी को अपने डाइट के हिसाब से डाल सकते हो कम या ज़्यादा। ऐड करेंगे क्रश किए हुए 1 पीस कपूर। खीर को धीमी आंच पे पकाते जाइए और बीच बीच पे हिलाते जाइए ताकि नीचे का पोर्शन चिपके ना और जले ना। लीजिए हमारे स्वादिष्ट खीर बनके बिल्कुल तैयार है और सर्व करने के लिए रेडी है। आप देख सकते हैं स्टिकी राइस या फिर बोरा चावल से बनी खीर बहुत ही थिक गाढ़ा और शानदार बनती है। खीर को सर्व करते हुए देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। दोस्तों हमारी आज की रेसिपी बहुत ही इजी एंड सिंपल है, आप लोग इसको एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। हमने ऊपर से फ्राई किए हुए काजू और किशमिश से थोड़ी सी गार्निश कर दी है। क्यों दोस्तों, दिखने में टेस्टी और यमी लग रही है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे एक और नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।